आज इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण पृष्ठ संख्या 27 के सभी 6 प्रश्न करने वाले हैं। पहले एक एक करके प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, देखेंगे, इसके बाद सभी प्रश्नों पे समझ बनाते चलेंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ दिया हुआ है, HCl, HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयनों में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते हैं। तो देखिए उत्तर कैसे लिखेंगे, इसके बाद हम समझेंगे। HCl तथा HNO3 आदि जलीय विलयन में H+ आयन का निर्माण करते हैं जो अम्लीय गुण को दर्शाता है, किंतु अल्कोहल एवं ग्लूकोज जलीय विलयन में OH- आयन का निर्माण करता है, जिससे इनका अम्लीय गुण नहीं बल्कि क्षारकीय गुण प्रदर्शित होता है। देखिए अम्लीय गुण जहाँ भी H+ आयन होगा, अम्लीय गुण प्रदर्शित होगा, और जहाँ भी OH- आयन अर्थात हाइड्रोक्साइड आयन होगा वहाँ पर क्षारकीय गुण प्रदर्शित होगा। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। तो आंसर लिखेंगे, छोटा सा आंसर है, अम्ल का जलीय विलयन H+ आयन का निर्माण करता है, यही कारण है कि यह विलयन विद्युत का चालन करता है। देखिए एक बात स्पष्ट है कि प्रश्न का उत्तर जो है, जो प्रश्न में पूछा जा रहा है बिल्कुल वही बात आ जानी चाहिए, और प्रश्न जितने शब्दों में पूछा जा रहा है उत्तर लगभग उतने ही शब्दों में होने चाहिए। अब समझते हैं, देखिए अम्ल विद्युत का चालन क्यों करता है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है। सीधी सी बात है कि उसमें H+ आयन बनता है, और जब भी H+ आयन बनेगा वह विलयन विद्युत का चालन करेगा। तीसरा प्रश्न है, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है। क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण है, आंसर कैसे लिखेंगे। तो शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, क्योंकि इनमें जल की मात्रा नहीं होती है, अतः ये H+ आयन का निर्माण नहीं करते हैं, जिससे लिटमस पत्र पर अम्लीय प्रभाव नहीं होता है। देखिए अम्ल अपना प्रभाव कब प्रदर्शित करता है, जब वह H+ आयन में विभक्त हो, और यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक गैस भी शुष्क है और लिटमस पत्र भी शुष्क है, अर्थात दोनों सूखे हुए हैं, तो यहाँ जल की मात्रा बिल्कुल नहीं है, और जब जल की मात्रा नहीं होगी तो यहाँ H+ आयन का निर्माण नहीं होगा, इसीलिए शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करेगा। चौथा प्रश्न देखा जाए, प्रश्न है, अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना है न कि जल को अम्ल में, ये प्रश्न है। प्रश्न समझ में आ रहा होगा, चलिए पहले आंसर देख लेते हैं कैसे लिखेंगे, इसके बाद समझेंगे। अम्ल को तनुकृत करते समय हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि अम्ल को पानी में डाला जाए न कि पानी को अम्ल में, क्योंकि जब पानी में अम्ल को डाला जाता है तब अभिक्रिया के कारण उत्पन्न ऊष्मा पानी द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, जिससे विलयन कम छलकता है और हमें नुकसान नहीं होता है, किंतु जब अम्ल में पानी को डाल दिया जाता है तब अभिक्रिया के कारण उत्पन्न ऊष्मा अम्ल द्वारा अवशोषित नहीं की जाती है, जिससे विलयन काफ़ी छलकता है और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। ये तो इसका आंसर हुआ, थोड़ा सा इसको समझते हैं। प्रश्न कह रहा है कि अम्ल को तनुकृत, तनुकृत का मतलब है पतला करना, अर्थात अम्ल में पानी डालने को अम्ल का तनुकरण कहते हैं। तो कह रहा है कि जब अम्ल को तनुकृत किया जाए तो अम्ल को जल में डालना है न कि जल को अम्ल में। देखिए
जल अधिक रहेगा और ऊपर से जब हम अम्ल डालेंगे उसमें तो जो ऊष्मा उत्पन्न होगी वह जल अवशोषित कर लेगा, किंतु अम्ल में यदि जल को डालते हैं तो जल की मात्रा तो पहले थोड़ी सी पहुँचेगी और जैसे ही जल की मात्रा अम्ल को छुएगी तुरंत बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगा जो कि वहाँ अम्ल या जल द्वारा अवशोषित नहीं किया जा सकेगा। परिणाम यह होगा कि वह विलयन छलक कर डालने वाले के शरीर पर पहुंचकर बहुत हानि अथवा पीड़ा पहुंचा सकता है, इसीलिए ऐसा अनुशंसित किया जाता है। समझ में आ गया होगा। आइए पांचवा नंबर प्रश्न देखते हैं। अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन H3O+ को हाइड्रोनियम आयन कहते हैं की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है? तो उत्तर लिखेंगे, छोटा सा उत्तर है, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता घटती जाती है, अर्थात घट जाती है। देखिए, अम्ल का विलयन है और तनुकृत किया जा रहा है, अर्थात अम्ल में जैसे जैसे पानी डालते जाएंगे अम्ल की कैपेसिटी जो है वो कम होती चली जाएगी और H+ या H3O+ ये जो आयन हैं ये उसी को दर्शाते हैं और ये घटते चले जाएंगे, तो उसकी सांद्रता घटती चली जाएगी। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, किसी बर्तन में चीनी का शरबत रखा हुआ है और उसमें थोड़ा थोड़ा हम पानी डालते जाएं तो चीनी की जो शरबत है वो कम मीठी होती चली जाएगी। बस यही कंडीशन यहाँ भी लागू होता है। आशा है समझ में आ गया होगा। छठा नंबर प्रश्न देखते हैं। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक या क्षार मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन अर्थात OH- आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है? देखिए आंसर देखते हैं। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में क्षार मिलाते हैं तब हाइड्रोक्साइड आयन अर्थात OH- आयन की सांद्रता बढ़ने लगती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन है, यह क्षारकीय विलयन है और इसमें और क्षार मिलाया जाता है, तो क्षारीय विलयन में और क्षार मिलाएंगे तो क्षार में OH- आयन होता है तो OH- बढ़ता चला जाएगा। ये जो OH- है तो ये बढ़ता चला जाएगा तो हाइड्रोक्साइड आयन जिसे OH- कहते हैं ये बढ़ती चली जाएगी। इसे भी इसी तरह का एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे किसी बर्तन में नमक का घोल है और उसमें और हम नमक डालते चले जाएं तो और ज़्यादा नमकीन होता जाएगा। बस यही कंडीशन यहाँ भी लागू होता है। तो इस पेज के सभी 6 प्रश्न कंप्लीट हो गए। मुझे आशा है कि आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर जिस तरह से हमने पांडुलिपि में ये नोट्स बनाया है और आपको दिखाया है, अगर आप परीक्षा में इस तरह से लिखते हैं तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको पूरा में पूरा अंक प्राप्त होगा। धन्यवाद।